साथ संगत जी वॉल्यूम खोलो। वाहेगुरु वाहेगुरु, जितनी संगत बैठी है भाई, बेनती है, श्वास है गे, श्वास है भाई के खत्म हो गए, है गे श्वास, जपो सारे वाहेगुरु, पता लग जाएगा श्वास है कि नहीं है। जड़े जीव जिन्हां दे श्वास खत्म हो जाते हैं वो डेड हो जाते हैं, तो कई जींदे जीव ही डेड हो जाते हैं जिहड़े परमेश्वर का नाम नहीं जपते। कोशिश करो, जे शरीर च मैं जदों का बैठा होया देख रहा, जे फतेह बुलाई जाती है तां भी कोई जवाब नहीं, जे कोई जकारा बुलाउंदा है तां भी कोई जवाब नहीं। शरीर च श्वास होंदे ते वाहिगुरु कह देंदे है ही नहीं, तो करिए कि इस तरह ही है गे श्वास। गुरु साहिबां नाल प्रीत है, गुरु नानक साहब जी महाराज नाल प्रीत है भाई, जिन्हां दी प्रीत हथ खड़े करो देखां, थले करके जो हथ खड़े करेगा वो नंबर नहीं जे लगने, जिहड़ा हथ दोवें खड़े करेगा वो परमेश्वर दे कोल उहदी हाजरी लग जाएगी। उन्नी देर थले नहीं करने भाई, जपो सारे वाहिगुरु, अजे पूरी आवाज नहीं कर लो थले, पर आवाज आनी चाहिए है। जाना सचखंड अजे पूरी आवाज नहीं, मेरा हर प्रसाद से ज्यादा शक ले हैं। मैं उन्नी देर कीर्तन शुरू नहीं करना जिन्नी देर सारे जकारे का जवाब नहीं देंगे। जे कोई जदों कोई भाई वाहिगुरु नहीं आखता तो मैनू बड़ा दुख होता है कि यह जीव इस संसार दे विच करन की आया है, क्योंकि गुरु साहिबां दी बाणी अनुसार जिथे नाम जपिए प्रभु प्यारे से अस्थिर सोइन चौबारे, जिथे नाम न जपिए मेरे गोइंदा से ही नगर उजाड़ी जियो। इस शरीर नू उजाड़ क्यों बना लिया तुसी? एक घर है, एक कंट्री है, सिटी है, एक पिंड है, तो सब तो वड्डा की है शरीर, एक खेत है, जो इस दे विच बीजोगे सो वड लगोगे। तो जे तुसी नाम नहीं बीजोगे, जिहड़े इत्थे वाहिगुरु नहीं आखदे वो अपने घर वाहिगुरु कित्थों आखदे होणगे? ये उहनां दे मुख डरावणे हुंदे हन जिहड़े वाहिगुरु नहीं आखदे। आसा जी की वाद के गुरु साहब जी फरमान करते हैं, सब को आख है अपना, जिस नाही सो चुन कढ़ीए, कीता आपो अपना, आपे ही लेखा संडी है, जा रहना नाही ता कायत गार बहंडी है, मंदा किसे नाखीए, पढ़ अखर एहो बुझिए, मूर्ख नाल ना लुझिए। फिर गुरु साहब जी एक पौड़ी होर बयान करते हैं, आपे ही करना कियो, कल आपे ही तै तारी है, देखें कीता अपना, तर कच्ची पक्की सारी है, जो आया चले जाना है, पता नहीं घर पहुंचना है कि नहीं। कोई कह सकता मेरे बाकी श्वास इतने रेंदे हैं? कोई कह सकता है? असी भी आए हैं ना, मैं सब तो पहलों अपने तो लेंदा हाँ गल कि असी चल के आए हैं, पता नहीं है घर पहुंचना कि नहीं पहुंचना, पता नहीं परमेश्वर दे कोल ही चले जाना है। जदों ऐसी अवस्था आ जाए तो फिर भाई वाहिगुरु कह देना चाहिए, जपो सारे वाहिगुरु 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 वाहिगुरु।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਾਰੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋਗੇ ਕਰੋਗੇ ਭਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਆਵਹੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਾਵੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਤਨੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਭਾਈ ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਤਨੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆ ਤਾਂ ਸ਼ਰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
सुरती पता नहीं कित्थे है, पल पल दा लेखा देना पैना जो भी है। जे सुरती कायम नहीं तो शरीर भी कायम नहीं रहे। दुख उन्हां नूं ही आउंदा है। पहले पातशाह जी बाणी है, दुख दारू पढ़ो ना, दुख दारू की है मतलब दोवां दा। सुख जिहड़ा रोग है बड़ा वड्डा, कदी समझे मंगदे बड़ा सुख दे दे। सुख वह हुंदा है जिहड़ा परमेश्वर अपनी मर्जी नाल दे। जदों असीं नितनेम करन लगियां शर्तां रख दिंदे हाँ फिर सुख नहीं दुख बन जांदा है। जपो वाहेगुरु। वाह आह कैसा सोहना शरीर परमेश्वर ने दिता। तो इस शरीर दे विच नाम की खेती है ही नहीं, कित्थे जाओगे। दो मार्ग ने, एक ते लेखा होएगा एक ते नहीं होएगा। हर नामा
जिन चेतिया हिरदै उतारे तिन जम नेड़ ना आवई गुरसिख गुर प्यारे। उन्हां दे लेखी सत हो जांदे हन जिहड़े नाम जपदे हन। जिहड़े नाम नहीं जपदे उन्हां नूं फिर पता नहीं किन्ने नंबर नरक मिलदा है। नरक कित्थे है? कोई वक्खरा थोड़ी, इत्थे ही है सब कुछ। ये थोड़ा कि इस धरती तां असीं चंगा माड़ा करांगे ते भुगतांगे किते होर, फिर वेखेगा कौन? इत्थे करांगे ते इत्थे ही भरांगे। जे नाम नहीं जपदे की बनेगा तुहाडा शरीर? जिहड़ा है इहदा ते पता ही नहीं है, जदों खुल गया ते पता नहीं विच की कुछ है। खड़े खड़े ही पता नहीं केड़ी बीमारी आण घेरदी है। क्यों? परमेश्वर दे भुल्लिया व्यापन। हुण बाणी नहीं निकलेगी मूँह चों, परमेश्वर का नाम ही नहीं निकलेगा। पहले पातशाह जी आप जी नूं फरमान कर दे, आखां जीवां जिन्हां नूं बाणी आउंदी पढ़िया करो। कित्थे पढ़नी है होर? होर कित्थे पढ़ोगे जाके? आखां जीवां आखणे औखा साचे नाम की। उत भूख है खाए चली है दूख, उत केड़ी है? जड़ा असी समा माड़े पासे गुजारते हैं वो उत है। साचे नाम की लागे भूख, उत भूख है खाए चली है दूख, वो फिर दुख खाने पेंदे। मेरा दिल नहीं करता कि मैं विच कुछ बोलना, मेरा दिल करता मैं निरोल कीर्तन करी जाऊँ, पर आप जी का साथ जरूरी है। पहले पातशाह दी बाणी है, फरमान करते हैं कि आप जी कौन कौन गा रहा है। कभी सोचे बाणी पढ़ते हो? रोज पढ़ते हो? आवाज नहीं आती, पढ़ते हो? तो फिर बाणी दे विच बड़ा कुछ लिखा है। असी की करते हैं जो बाणी पढ़न लगते हैं साढ़े को टाइम नहीं होंगे, फटाफट पढ़ लो। गुरु साहब जी फरमान करते हैं, सो दर तेरा कहा सो कर कहा, जित बह सर्ब संभाले, वाजे तेरे नाद अनेक असंखा, केते तेरे राग परी स्यों कहिए, केते तेरे गावन तुदनो पौन पानी बह संतर गावे राजा। वो सारे गा रहे हैं तो आप जी की हो गया है? उन्हें तो उपर हो तुम, फिर तुम क्यों नहीं गाते? सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। तो गुरु साहब जी इतों तक प्रमाण करते हैं, मेरे साहेब तू मैं माण निमाणी अरदास करी, प्रभ अपने आगे सुन सुन जीवा। आह सुन सुन जीवा, कभी अवस्था आई है ऐसी? नहीं, बड़ी औखी है, एक घड़ी ना मिलते। हुण कद मिली है? क्वेश्चन चिन्ह है। हुण कद मिली है? प्रेर तुद भगवंता मोहे रहण ना बिहावे, नींद ना आवे बिन देखे गुरु दरबारे जियो। तो गुरु साहब जी इतों तक फरमान करते हैं, तेरा मुख सुहावा जियो सहज धुन बाणी, चिर होवा देखे धन सो देश जहां तू वसिया। वो केड़ा देश है? धन सो देश जहां तू वसियो, साध संगत है भाई, विच संगत हर प्रभ वसै जियो। तो फिर मेरी बेनती यो है कि जो बाणी पढ़नी है तो एक मन एक चित होके पढ़नी है। ये नहीं कि मेरा फलाना बच्चा की कर रहा होगा, वो बाहर फॉरन च बैठा है, वो भावें सोचता ही ना हो कि मेरे माँ प्यो की करते पे ने, इन सोच पहलों लग जाती है। जपो सारे वाहेगुरु, आओ साहबां दी बाणी सुन सुन जीवा तेरी बाणी, सुन सुन जीवा तेरी बाणी, सुन सुन जीवा तेरी बाणी, वाहेगुरु सुन सुन जीवा तेरी बाणी। मेरे साहेब मेरे साहेब मेरे साहेब मेरे साहेब तू मैं मां
पत्तर की गत तुद पैसारी तुद जेवड़ खुश होणगे जो तुसी वाहिगुरु कहिंदे हो सतगुरु होए दयाल तां शरदा
जपो सारे वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। आओ एक शब्द पढ़ के कीर्तन की समाप्ति करते हैं। हर जियो निमाणिया तू माण न चीजिया चीज करे मेरा गोविंद तेरी कुदरत कहो कुरबान भाई। जितनी संगत है बेनती है बैठे रहो यहो जे समय आते हैं बार बार। कितना उद्यम किया है कितना उद्यम किया है असी मन दे विच पता नहीं की कुछ लई फिरदे हैं। वह माड़ा है वह यहो जिहा है वह यहो जिहा है भावें वह उहदे तों भी चंगा हो। ड्यूटी तो परमेश्वर ने लाई है होर किसी की तो पर असी सारे ने माड़ा कहन अपने अपने आप नूं असी पता नहीं कितना चंगा समझते हैं। गुरु साहब पहले पातशाह जी अपनी बाणी च फरमान करते हैं चंगी आईया पढ़ो सारे चंगी आईया वाचै अगली पंक्ति च सारा कुछ है करमी फिर पढ़ो करमी वाहेगुरु जपोगे तो कर्म होर हो जाएंगे ना जपोगे तो करमी। गुरु साहब जी बाणी च पता की फरमान करते हैं तैसो जैसा कांडी है जैसी कार कमाए जो दम चितना आवे सो दम व्यर्था जाए। केंद्र तेरा स्वास व्यर्थ जा रहा तो गुरु साहब ने होर भी बड़ा कुछ दस्या है नाम बिना सब दुनिया शाह। केंद्र जेडे जीव नाम नहीं जपते वह स्वाह के बराबर हैं जपो वाहेगुरु। इस तो वड्डी गल केड़ी हो सकती है नगद तेरे बंदे दीदार अपार नाम बिना सब दुनिया शार। केंद्र शार केंद्र स्वाह केंद्र कि ओ जीव स्वाह दे बराबर हैं जिहड़े नाम नहीं जपदे। जपो सारे वाहेगुरु वाहेगुरु स्वाह बनना जे कि कुछ अच्छा जीवन लेना है इस संसार च दोबारा आना कि नहीं आना चाहते हो। जेडे नहीं आना चाहते हाथ खड़े करो देखा मैं इंज करके नहीं इंज करके पता लगे भी इन्ने शरीर जिहड़े हैं उन्होंने ब्रह्म ज्ञान की अवस्था प्राप्त हो चुकी है जिहड़े इस संसार च दोबारा नहीं आना चाहते। जपो वाहेगुरु वाहेगुरु। जिहड़े आना चाहते हैं पता नहीं की किस करके आना चाहते हैं की लब्भा है मैनू भी दस दौ की लब्भा है अज तक खटिया की है तुसीं मैनू इहो ही दस दौ। जिहड़ी हिरदे रूपी जेब उहदे विच खट के की पाया है मैनू इह ते दस दौ। जिहड़ा परमेश्वर ने हिरदा दिता है उहदे विच की खट के पाया कि नाम तो बगैर ही इस संसार तो चले जाओगे तो फिर सामने सब कुछ है। गुरु साहिब जी कहिंदे हन चार पाव दोए सिंह गुंग मुख तब कैसे गुन गई उठत बैठत ठेंगा पर है तब कत मूंड लुकई है हर बिन बैल बिरानी हुई है फाटे नाकन जो नक् च नकेल पाई जाती है फाटे नाकन टूटे कंगन को दो को पुस खई है। जिहड़े जीव नाम नहीं जपदे फिर चौरासी चले जाते हैं नाम तो जपया नहीं तो कहते फिर आना है इस संसार पता नहीं किस करके आना है की लब्भा है इन्हों अज तक तो किसी कुछ लब्भा नहीं जिहड़े नहीं आना चाहते उन्होंने तो मेरा ख्याल गुरु साहिबां ने ब्रह्म ज्ञान की अवस्था दे दिती है क्योंकि साहिबां की बाणी गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज का श्लोक है नाम रहो साधु रहो रहो गुरु गोविंद कहो नानक यह जगत मैं किन जपियो गुरमंत। तो गुरु साहब जी तो बड़ा कुछ दस रहे जग रचना सब झूठ है जान लेहो दे मीत कहे नानक थिर नार है ज्यों बालू की भीत। एक शब्द सच्चे पातशाह धन धन गुरु नानक साहब जी महाराज का धन नानक तेरी वड्डी कमाई कैसा शब्द है सिद्ध बोलन शुभ बचन धन नानक तेरी वड्डी कमाई। आओ एक शब्द पढ़ के कीर्तन की समाप्ति करते हैं। हर जियो निमाणिया तू मान सारी संगत ने भाई इस शब्द गायन करना है कोई पिछे ना रवे गुरु साहिबां दी गोदी च आपां हाजरी लवानी है। हर जियो निमाणिया तू मान
अगली
चुके मन की वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब भाई सुरेंद्र सिंह जी जोधपुरी जी का जिन्होंने आप ता परमेश्वर का नाम जपया भी और संगतां कोलों भी परमेश्वर का नाम जपाया। कबीर सेवा को दोए भले एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्त को संत जपावै नाम। संगत के चरणों में बेनती है भाई अपने कोल पंथ का महान कीर्तनी जथा भाई ओंकार सिंह जी उन्ने वाले अपने कोल स्टेज के सुभाएमान ने तकरीबन पौना क घंटा कीर्तन होर चलेगा। मेरी संगत के चरणों में बेनती है कि बैठन की कृपालता करो और ये सारे प्रोग्राम का सीधा प्रसारण देखने लई जो लाइव पंजाब टीवी यूट्यूब के उत्ते सर्च करने की लोड़ है, ये सारा प्रोग्राम अपने मोबाइल फोन पर भी लाइव चल रहा है। आओ सरदार बलबीर सिंह जी सिद्धू कैबिनेट मंत्री पंजाब जो सतगुरु गुरु नानक देव जी महाराज दी खुशियां लैण वास्ते समुचा परिवार ही रल मिल के मैं देख रहा जिथे सिद्धू साहब का संगत के नाल इतना प्रेम है। पिता भरपूत नसल पर घोड़ा बहुता नहीं तो थोड़ा थोड़ा इन्हां दे होनहार सपुत्र कमरवीर सिंह सिद्धू भी वह भी आई संगतां दा महापुरशां दा किते लंगर दे विच भजन हट के सेवा कर रहे हैं, किते महापुरशां दा किते संगत दा सत्कार कर रहे हैं। जे गुरु नानक दी खुशी लैनी है गुरु नानक संगत विच ही वसदा है, विच संगत हर प्रभ वसै जीओ। सतगुरु कुल कलगी धर पातशाह खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हों करूं निवास, खालसा मेरो मुख है अंगा, खालसे के हों सद सद संगा। आओ ये सारा ही प्रोग्राम केवल ते केवल सतगुरु गुरु नानक देव जी महाराज के 550वें प्रकाश पुरब नूं समर्पित जो ये समुचे सिद्धू परिवार वालों और समुची कांग्रेस पार्टी वालों रल मिल के सतगुरु गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाश पुरब नूं समर्पित ये प्रोग्राम चल रहा है। आओ पंथ के महान कीर्तनीय बाबा गुरदेव सिंह जी भी सिद्धू साहब बाबा गुरदेव सिंह जी भी छुट्टियां मंग रहे ने। सिद्धू साहब कहते थोड़ी देर जल पानी छक के फिर बैठो। आओ आप गुरबाणी के कीर्तन के नाल जुड़ते हुए भाई साहब भाई ओंकार सिंह जी उन्हां साहब वाले आप गुरसिख संगतां नूं ओही कलयुग में कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपिया लाए ध्यान के नाल जोड़नगे। और एक किसी मेरे वीर का मोबाइल फोन डिगया जे भाई क्योंकि असी सतगुरु जी का प्रकाश पुरब मनाउण आए हैं, जे इत्थे गुरु की संगत हो ना होवे नहावण चले तीर्थी मन खोटे तन चोर, एक पौ लत्थी नहाते हैं दो पौ चढ़िया होर। आओ एक जकारे की गूंज दे विच सतगुरु गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाश पुरब नूं अलाही गुरबाणी के कीर्तन के नाल जुड़ना करिए। बोले सोनेहा